नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रसोई रूम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैंने हरी मटर के पराठे बनाए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसके लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए ये भी दिखाते हैं। 200 ग्राम हम आटा लिए हैं, 250 ग्राम हरी मटर लिए हैं, 4 हम बारीक काट लिए हैं हरी मिर्च, 10 कली लहसुन के लिए थे वो भी बारीक काट लिए हैं, 1 चम्मच साबुत जीरा लिए हैं छौंक के लिए लिए हैं, पानी लिए हैं गूथने के लिए, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं, हरी धनिया भी लिए हैं डालने के लिए, तेल लिए हैं छौंक लगाने के लिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, आधा छोटी चम्मच हम कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च लिए हैं, घी लिए हैं पराठे में लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम करने के लिए हम रख दिए हैं, फ्लेम चालू कर दिए हैं। जो तेल लिए थे उसको डाल देंगे, थोड़ा तेल बचा लेंगे अपने आटे में लगाने के लिए। जो हरी मिर्च लिए थे इसको डाल देंगे आगे, फिर लहसुन लिए थे इसको भी डाल देंगे, साबुत जीरा को भी डाल देंगे, इसको भून लेंगे, थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। हमारा देखिए जीरा और मिर्च लहसुन सुनहरा हो गया है, जो मटर था उसको भी अब डाल देंगे। 1 मिनट तक इसको हम ढक के रख देंगे। 1 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन को हटा के देख लेते हैं। अब इसमें जो हम मसाले लिए थे धनिया पाउडर उसको डाल देंगे, जो हल्दी पाउडर लिए थे इसको भी डाल देंगे, जो लाल मिर्च पाउडर लिए थे इसको भी डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। इसको अच्छा तरीक़े से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा मिल गया है मटर में। इसमें हम आधा कप पानी डाल के ढक देंगे 3 मिनट के लिए। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, आंच लो टू मीडियम ही रखें। 3 मिनट के लिए ढक देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक ले हम आटा गूंथ लेते हैं। आटा में नमक मिला लेते हैं थोड़ा सा, और 1 चम्मच तेल भी मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको गूंथेंगे। इसको गूंथ के आपको दिखाते हैं, इसको सख्त डो लगा के आपको दिखाते हैं। इसको सख्त डो लगा लिए हैं आटा को, देखिए। इसको हम इस पे थोड़ा सा तेल गिरा के अब 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे कि आटा हमारा सेट हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन को हटा के मटर को देख लेते हैं। देखिए हमारा मटर के पानी सूख गया है बिल्कुल। अब इसको हम मोटा दरदरा मिक्सी में पीस के दिखाते हैं आपको। देखिए मिक्सी में मटर को डाल दिए हैं, इसको बारीक ना करें, दरदरा सा पीसे। देखिए हम अपने मटर को दरदरा पीस लिए हैं, जो हरा धनिया के पत्ता लिए थे इसको इसमें मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरीक़े से इसमें मिक्स करेंगे। आटा भी हमारा 15 मिनट हो गया है, आटा भी सेट हो गया है। अब हम तवा गरम करने के लिए रख दिए हैं। अब आटे के हम छोटे छोटे लोई बनाएंगे, देखिए ऐसे करके लोई बनाएंगे। फिर आटे लगा के इसको चकले बनाएंगे ऐसे करके, देखिए ऐसे करके बनाएंगे। इसमें जो हमारा मटर के मसाला तैयार किए हैं इसको भरेंगे ऐसे ऐसे करके, देखिए
ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बंद करेंगे मुंह के। देखिए देखिए ऐसे ऐसे करके बंद करेंगे, इसको ऐसे करके आटे को काट लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा लोई बन गया। अब इसको प्रोथन में लगा के हम बेलेंगे, चकला बना के बेलेंगे। चकला बनाने से ये होती है कि हमारे पराठे बेलने में बहुत आराम रहती है। देखिए अब इसको हम प्रोथन लगा के फिर से ऐसे करके, ऐसे करके फिर इसको बेलन से हम आराम आराम से बेलेंगे। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बेल गया। अब हम तावे पर डालेंगे इसको। अब अपने पराठे को दूसरे तरफ से उलाटेंगे। देखिए अब दूसरे साइड भी सिक गया है। अब इसको हम पलट देंगे। अब पराठे में देखिए घी लगा देंगे। अब इसको हम दूसरे तरफ भी घी लगा देंगे। इसको किनारे किनारे से ऐसे करके दबाएंगे कि हमारे पराठा कांचा ना रहे। आंच को लो टू मीडियम ही रखें। देखिए फिर इस साइड से हम पलट देंगे। देखिए हमारा पराठा अच्छी तरीका से सिक गया है। इस तरफ से भी देख लेते हैं, पराठा हमारा अच्छी तरह से सिक गया है। हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बना के दिखाते हैं। दूसरा भी डाल दिए अपना पराठा, सारे पराठा बना के आपको दिखाते हैं हम। देखिए हम सारे मटर के पराठे बना लिए हैं, हरी मटर के। इसको दही के साथ खाइए, चाहे सॉस के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। ज़रूर एक बार बनाइए और खाइए। अगर हमारी ये हरी मटर के पराठे आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।